कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं महावीरा ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, फ्लीट ओनर एंड ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर. सिंस 1985, वी इन्वेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हील ऑन व्हील्स एंड इंट्रोड्यूस्ड डबल डेकर व्हीकल्स. वी आर द फर्स्ट ट्रांसपोर्टर फॉर द कैरियज ऑफ मारुति सुजुकी, होंडा, टीवीएस, टैफे, बीएचईएल, एल्स्टॉर्म एटसेट्रा. सर्विसेज वी रेंडर कार ट्रांसपोर्टेशन, कंटेनर सर्विसेज, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग, वेयरहाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बल्की गुड्स. अचीवमेंट अवार्ड्स. जय जिनेंद्र. दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण में. दर्शकों, श्रवण परंपरा के वर्तमान शिखर पुरुष विश्व वंदनीय संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनकी एक झलक पाने के लिए न जाने कितने भक्त तरसते हैं, जिनका व्यक्तित्व, कृतित्व धर्म, समाज और देश के लिए प्रेरणा का वो पुंज है जिसकी रोशनी में आने मात्र से जीवन की दिशा बदल जाती है. ऐसे महासंत के दर्शन भी पुण्योदय से ही प्राप्त होते हैं. तो आइए, पारस चैनल के इस विशेष कार्यक्रम में चलते हैं चातुर्मास स्थल जबलपुर मध्य प्रदेश में और करते हैं पूज्य आचार्य श्री के मंगल दर्शन. एक तेरा नाम, एक तेरा नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है. एक तेरा नाम आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा. जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नव गाथा. जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली. जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली. गुरुवर तेरा नाम. ओम ब्रीम श्री एक्सवर्ड आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय. अत्र अवतर संवोष्टित आह्वानन. अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठा ठा स्थापनम. अत्र मम सन्नितो भव भव वसत सन्निधि करणम. सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया. इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया. तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ. आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ. ओम ब्रीम एक स्वराचर श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय. जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामति. इस क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है. निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है. चंदन शम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ. संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ. ओम ब्रीम एक स्वर आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय. अत्र संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरुपामति स्वाहा. जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना. अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना. चरणों में अर्पित अक्षय है अक्षय पद मुझको मिल जावे. तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे. ओम रीम एक स्वर आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय. अक्षय पद प्राप्त है अक्षतम निरुपामति स्वाहा. इस विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला. तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला. मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ. विधेता बन न सके यह भाव हृदय से ला. ओम रीम एक स्वर आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय. कामबाण दर्शनाय पुष्पम निरुपामति. इस क्षुदा रोग की व्यथा कथा भव भव मैं कहता आया हूँ. अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ. नैवेद्य समर्पित कर
मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम एक स्वर आचिविद्याग्नि मुनिराय क्षुधा रोग विनाशाय नैवेद्यं निरुपामति। मोहांधकार से व्याकुल हो, निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जगा देना। ओम ह्रीम एक स्वर आचर श्री विद्याग्नि मुनिन्द्राय महामुद कर विनाशाय दीप मम निर्वाणति स्वाहा। इसे अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह था माना, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा था अपनाना। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल हैं, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसीलिए अब गुरु चरणों में धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम एक स्वर आचार्य श्री विद्याग्नि मुनिराय अष्टकम दनाय धूपम निरुपामति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध और साधक का अंत मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम एक स्वर आचार्य श्री विद्याग्नि मुनिन्द्राय महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निरुपामति स्वाहा। जग के वैभव को पा कर के निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भाव ना भाता है। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हर यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसन। ओम ह्रीम एक स्वर आचार्य श्री विद्यासागर मुनिन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय जयमाला पूर्णार्घम निरुपामति स्वाहा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आज का यह धनतेरस का दिन है। इस स्थान में वह कायम होने जा रहा है जो हजारों वर्ष के लिए समाज की सेवा और आत्मा की सेवा, इन दोनों के साथ इसमें ये कार्यक्रम होने जा रहा है। पूर्व में ही जनायतन का शिलान्यास हो चुका, उसके नींव में भी भराव लगभग पूर्ति की ओर है। एक सामाजिक काम, सामाजिक काम क्या, स्व और पर दोनों की सेवा के लिए एक कार्य जो संतानों के लिए एक प्रकार से बहुत प्रेरणा देते रहेंगे, ऐसा पूर्णायु का भी आज शिलान्यास होने जा रहा है। कई छात्र छात्राएं
इस पूर्णायु में अपने योगदान देने के लिए कटिबद्ध हुए हैं और अपनी उस योग्यता को उद्घाटित करते हुए उन्होंने कदम उठाया है और प्रारंभिक प्रवेश पत्रिका को लिख करके प्रवेश के लिए एक प्रसाद किया और उन्हें काफ़ी हद तक इसमें सफलता मिल गई है। अनेक पेठियाँ होती हैं किंतु सबको गौण करते हुए आयुर्वेद की ओर यह लगाव ये उत्साह जागृत हुआ है। उसमें कोरोना महामारी ने भी अपना योगदान दिया है और इस प्रकार आप लोगों का उत्साह बढ़ गया है। संतों ने अथक आत्म साधना करते हुए भी समाज के लिए ऐसे शास्त्र लिखे हैं जो स्व और पर के लिए प्रेरणास्पद हैं, उसको आज पुनर्जीवित करने का पुरुषार्थ समग्र समाज का हो गया है। तन मन धन सब कुछ न्योछावर करके इस सेवा के लिए समाज उत्साहित हुए है। इसको देख करके लगता है इस युग में एक बहुत बड़ा क्रांति का एक कदम माना जाएगा। किंतु ध्यान रहे, दीपक तो आपने जला दिया, दीपक से दीपक जलते चले जाए इसके लिए रास्ता भी प्रशस्त हो रहा है, लेकिन दीपक को तूफानों से, झंझाओं से बचाते हुए ये तो सावधानी रखेंगे, लेकिन ये भी सावधानी की आवश्यकता है। वह दीपक अपने श्वास से भी बाधित हो सकता है, अपने श्वास को भी आप अपने नियंत्रण में रखो, सभी व्यक्ति सहयोग दे, इस प्रकार के प्रेरणा सरकार आप प्रारंभ करेंगे। मध्याह्न में कार्यक्रम होना ही है और आज अभी आप लोगों ने छात्र छात्राओं के परिणाम को सुन करके काफ़ी उत्साहित हो गए होंगे। अभी तो यह प्रथम कदम है, इन लोगों को कमर कस करके अपनी अपनी परीक्षाओं की सीमा तक ले जा करके उसमें इससे कई गुना परिणाम सामने आ जाए और जिस व्यक्ति के ध्यान इस ओर नहीं है वो भी इस ओर उनका ध्यान आकृष्ट हो इन्हीं भावनाओं के साथ। यह उत्साह का कार्य और अपनी चरम सीमा तक पहुँच जाए इन्हीं भावनाओं के साथ। अहिंसा परमो धर्म। बिल्कुल, भगवान तो उन्हीं को सहारा देते हैं जो सही भावना से हे भगवान कैसा रहता वो पार हो सकता, बाकी पार होना बहुत कठिन है। आप सस्ता नवस नहीं समझो, मनुष्य जीवन तो मिल गया लेकिन आगे के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे सद्भाव रखो और इस समय का सदुपयोग करो। इस प्रकार आयु कर्म के बंध के साथ
84 लाख योनियों का किस ढंग से संबंध है आपको हमेशा याद रखना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की सबको मालूम है, पानी गर्म होता है सबको मालूम है, क्योंकि शीतलता के साथ साथ गर्म होने की भी अपनी शक्ति पानी के पास हुआ करती। किंतु पानी यदि अपने रूप में अलग स्वरूप का परिवर्तन ला लेता है तो ये नहीं कहा जा सकता है कि वह पानी गर्म हो जाए। एक वह मुल्क अथवा क्षेत्र रहता है जहाँ पर पानी को गर्म करते करते पुनः वह ठंडा ही रहता है। कभी सुना आपने है? हाँ, इस प्रकार गर्म होने की क्षमता होते हुए भी हम उसको एक हद तक यहाँ पर गर्म कर सकते हैं, बाद में किसने भी ईंधन जलाओ मचाओ शोर नहीं समझी तो वह गर्मी यहाँ असर करेगी नहीं। आप लोग अपने ईंधन की तैयारी करो, नहीं समझे कोयला समाप्त हो जाएगा इसलिए वह इतना ठंडा हो सकता है। यदि मान लो बर्फ बन गया तो किसी भी हालत में वह गर्म होगा ही नहीं। कोई भी व्यक्ति सोच लो, प्रयोग कर लो, यदि बर्फ को गर्म कर दिया तो फिर सोचना पड़ेगा मोक्ष मार्ग में कुछ गड़बड़ियां आ सकती, क्योंकि बर्फ उसी का नाम है। जब जम जाता है तो फिर ध्यान रखो, थोड़ा सा थोड़ी सी नदी जम जाती है, ऊपर गाड़ियां भीड़ियां भागना प्रारंभ कर देती, किंतु नीचे पूरी जमी नहीं रहती, पानी और रहता है। इसलिए जमने के उपरांत 3 लोक भी आ जाए तो भी वो मुनि महाराज पिघल नहीं सकते, पिघल नहीं सकते, पिघल नहीं सकते। ध्यान रहे, इसलिए ऐसा न करियो, कुछ मिलने की संभावना हो तो वो भी रुक जाए हमें तो वो करना ही है, चाहे वह कोई भी कुछ करे या न करे। तब कहीं जा करके वह ज्ञान के माध्यम से इस प्रकार अपने प्रकृति में वे जमाव कर देते हैं। ज्ञान एक ऐसी क्षमता शक्ति है आत्मा के पास, वह ठान ले तो 3 काल में 3 लोक में कोई भी ऐसी क्षमता नहीं उसको वह नीचे की ओर आकृष्ट कर दे। हाँ, विकृति हमारी कमजोरी है, पिघल जाना ये हमारी कमजोरी है। किंतु जब धीर संगन वाले होते हैं, ऐसी प्रकृतियों की उदीर्णा उनके जीवन काल में रहती है, उनके यहाँ तो कभी बुखार आता ही नहीं, आता भी है तो पुनः चला जाता जल्दी जल्दी, क्योंकि यहाँ पर तो मेहमानगिरी होने वाली नहीं। मेहमान भी बहुत होशियार होते हैं, ध्यान रखो,
आइए आइए मेहमान जी आइए, शायद भोजन करके आ गए होंगे। नहीं सोचे हम जा रहे कहेंगे, क्योंकि आगे उनको भी मालूम है क्या कहेंगे। यदि मान लो बांध बूंद करके ले आए तो खोल दीजिए, हम दोनों मिल करके भोजन कर लेंगे। नहीं सोचे, इसीलिए सोच करके गठरी खोलियो, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। मेहमान है, स्टेशन पर गाड़ी है, जहाँ कहीं जाए तो भोजन करके चले जाए, ऐसा नहीं होता। नहीं तो तांता लगने लग जाए मेहमानों का। हाँ, हमने समय दिया, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम समय को कटौती नहीं कर सकते, कर सकते हैं। फिर भी मध्याह्न की अपेक्षा सुबह ज़्यादा आ जाती तो सोचना पड़ता है। वैसे हमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर मध्याह्न का प्रबंध करना मुश्किल हो जाएगा। व्यवस्था है, इसके अनुसार हम भी चलते हैं। थोड़ी सी व्यवस्था इन लोगों की भी बनी रहे, नहीं तो शोर मचने का उससे कोई मतलब नहीं, फर्क नहीं पड़ने वाला। जो समय बंधा हुआ है वो बंधा हुआ है, उसके लिए कोई भी नहीं। हम तो आए गए, बेटे ये बहुत अच्छा प्रबंध है, बैठ जाए यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, समय पर तो आपको मिलेगा, बीच में आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, ये हमारी उदारता यदि है, हम दे सकते, नहीं दे कोई बाधा नहीं उसमें। पहले से ही बातचीत हो चुकी है, और जो हो चुकी तो हो चुकी है, उसमें कोई बाधा नहीं है। तो हम और आप भी एक प्रकार से बर्फ बनने की तैयारी करें। हाँ, ऐसी तैयारी करें ताकि वो बार बार पिघलना न पड़े, बार बार पिघलना न पड़े, क्योंकि पिघलन के कारण गर्मी के दिनों में भी पूर आ सकती है नदियों में। और बड़ी बड़ी नदियाँ जिनसे बर्फ का पानी भी आता रहता है, वो हमेशा बहाव को लेकर के श्रावण की अपेक्षा से ज्येष्ठ मास में भी उनमें उफान आता रहता है। इसलिए काल का कोई फर्क नहीं पड़ता, बर्फ गिर जाता है तो पिघलता अपनी सीमा तक ही, अभी सीमा तक ही पिघलता है, बाद में वो पिघलेगा नहीं, वो ज्यों का त्यों जमा हुआ बना ही रहता है। आत्मा की स्वभाव भी ऐसा ही लगभग है। यदि हम उस ओर दृष्टिपात कर लेंगे, फिर तो वह हमेशा के लिए जम सकता है, तो उसमें कांट कांट करके रास्ता बना देते तो भी उसमें कुछ भी नहीं होता। ऐसे देखे तो वहाँ पर बने हुए ऐसे बने हैं जैसे सुरंग मार्ग में जा रहे हो, वो सारे सारे बर्फ के ही हैं पहाड़, और उनमें से बस वगैरह वाहन जा रहे हैं आ रहे हैं। ऐसा कि महाराज होते हैं किसी भी प्रकार से, वे आप लोगों के यहाँ चर्या के लिए भी आ जाते हैं, लेकिन वो बर्फ के समान होते हैं। ध्यान रखियो, हाथ जोड़ करके खड़े रखा करो, नहीं ये तो मुश्किल हो जाएगा। कई लोग कपते हैं, कहीं ठंड के बिना भी कपते हैं। सोचा क्या हमारे हिम का प्रभाव इन लोगों के ऊपर पड़ रहा होगा, एयर कंडीशन में रहने वाले, ऐसा ही होता है। इसलिए बर्फ को सहन करना बहुत कठिन होता है। गर्मी को तो सहा जा सकते हैं, किंतु बर्फ को सहा नहीं जाता। दो प्रकार के शेक होते हैं, ध्यान रखना, एक गर्म थैल के और एक बर्फ की शेक होती है। तो बर्फ को रख दिए, एकदम आप उछाड़ करके फेंक देंगे उसको, इसलिए उसकी चटक होती है। ऐसा ही मुनि महाराजों का, ये बर्फ का चटक लग जाए तो ध्यान रखना हमेशा चटका बनी रहेगी, याद रखिए वो बहुत लाभप्रद होता है। ध्यान रखना, वो सूजन को ठीक ठाक कर देता है। नहीं सोचे हाँ कि गर्म पानी से कर दो तो सूजन पड़ेगा, हैं
हाँ, किंतु सेक कर दो बर्फ के तो बस सूजन घटेगा। आप देख लो सूजन बढ़ाना है क्या घटाना है। हाँ, अब सीमित शोर बनाए रखो, कोई बात नहीं, लेकिन सीमित रखो। आप लोग हाथों हाथ फल चाहते हैं, उसके बारे में हमने सोचा, इन लोगों के पास धैर्य की कमी है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ व्यवस्था जो आपके पास ही है उसको हम याद दिलाना चाहते हैं। वो क्या है महाराज, जो हमें याद करना पड़ेगा? तो ये है, जो भक्त होता है, सम्यक दृष्टि होता है, भगवान की उपासना में हमेशा लगा रहता है, तो उसके मन में विकल्प तो आता होगा, हमारे बदले में कुछ मिल रहा है क्या नहीं, निदान नहीं है वो कर रहा है, कि फिर भी वह कुछ कुछ न कुछ प्रयोजन तो रखता है। अब स्वाभाविक है, मान करके हम चलते हैं, तो सम्यक दृष्टि की क्या विशेषता होती है? सम्यक दर्शन अकेला भी रहता है और वृत्तों के साथ भी रहता है, तो उस समय की उसकी क्या विशेषता है, ये आप लोगों को ज्ञात होना अनिवार्य है, ताकि आपकी आकुलता जो होती है वो आकुलता मिट जाए और सही सिद्धांत का आप लोगों को पालन हो सके। निर्दोषता दृष्टि में लाना अनिवार्य होता है। वह ये है कि सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के उपरांत कर्मों के बारे में तो बंध फिर भी जारी रहता है, किंतु जारी रहते हुए भी उसमें भिन्न भिन्न स्थितियाँ और अनुभाग बन, जिसको बोलना चाहिए, थोड़ा सा स्वाध्याय कर लें आप लोग तो वो भी बहुत सब बातें हिसाब किताब आ जाएंगी। जिस दुकान को आप चलाते हो तत्संबंधी बारीकी के साथ आप संपर्क रख कर के उसके जानकारी लेते रहते हो, तो यह भी एक आपको जानकारी आवश्यक है। तो वह स्थिति कितनी पड़ सकती है और वह काम में कब आती है, मूल तो यह है, क्योंकि दुकान खोल दी और ये कह लिया जाए चार पांच साल तक आप पूंजी लगाते जाओ, उसमें से कुछ निकाल नहीं सकते। सुन रहे हैं आप, महाराज ये कौन करेगा, हम तो सुबह लगा करके ऐसा है ना। हाँ, हमें समझ में यही आया है, मतलब आप लोगों को जानकारी है, लेकिन कर्म सिद्धांत संबंधी भी जानकारी होना चाहिए, तो व्यवस्था ये भी रखी गई है। अब अप्रशस्त प्रकृतियों का बंध भी होता है समय दर्शन होने के उपरांत भी, और प्रशस्त मैंने जिसको पुण्य बोलते हैं, अप्रशस्त मैंने पाप। अब बंध होना प्रारंभ हो गया, उसमें स्थिति कितनी पड़ती है, तो अंतर मुहूर्त के उपरांत भी हम उसको काम में ले सकते हैं। क्या कहा, अंतर मुहूर्त बहुत छोटा काल होता है, हाथों हाथ आप इन भावों के बंध के स्वरूप और उनको सत्ता में से निकाल करके भावों के द्वारा अपने उजीर्ण करा सकते हैं और उसका आपको लाभ मिल सकता है। साधा का मान लो बंद कर दिया अपने समय दर्शन के काल में, बनती भी है, बंद कर दिया। अब अंतर मुहूर्त में वह साधा सम्यक दर्शन के साथ जो बन जाती है और प्रशस्त प्रकृति है, उसमें अनुभाग सबसे ज्यादा पड़ते हैं अभिरति में भी, क्योंकि मिठात काल में भी पड़ता है, किंतु उसका इतना मिठास को लेकर के नहीं पड़ सकता। वह यदि उदय में आ जाता है,
हाथों हाथ आपके काम में आ जाएगा। मांगने की कोई आवश्यकता नहीं, कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं। थोड़े से जैसे कल्प वृक्ष कामधेनु होते हैं ना, हम उसको क्यों मांगे? हम तो अपने भावों के माध्यम से और बिना मांग के भी सोचते हैं तो उसकी उदीरा हो सकती है और आपके काम में आ सकती है। यदि आप व्रतों को ले भी लेते हैं, ऊपर भी चढ़ जाते हैं, तो उससे ज्यादा और बनना प्रारंभ होता है और वह काम में भी आ सकता है। जैसे मान लो चिकित्सा की बात है, औषधोपचार की बात है, और वहाँ पर हम हैं, वहाँ पर औषधोपचार आदि की कोई ठिकाना है ही नहीं। कैसे प्राथमिक उपचार हो, तो जो बना हुआ अभी हमने बांधा तो उसी समय का अंतर्मुहूर्त के बाद वादक वह अपने काम में आ सकता। यह एक प्रकार से चिकित्सा उसकी प्रारंभ हो गई। अस्पताल जाओ, पैसा खर्च करो, वो करो, ये वहां पर कुछ भी नहीं। इसी को बोलते हैं पुण्यानुबंधी पुण्य कर्म। एक पापानुबंधी होते हैं जो कि विषयों की ओर ले जाए, और एक पुण्यानुबंधी पुण्य बनता है तो वह विषयों के लिए, विषय तो उसके मिल सकते मिलते हैं किंतु ये अच्छे कार्य में वह काम में आ जाता है। इसलिए मांगने के लिए हमारे आचार्यों ने अच्छा नहीं माना, किंतु इस कर्म सिद्धांत का यदि इस ढंग से उपयोग करते हैं, ये तो अपनी निधि है, अपनी चीज है, इस मांगने की बात ही नहीं होती। तो ये जानकारी अपने को रखना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ संतोष की आराधना करने के लिए कहा, श्रावकों सुनो, आप लोगों के पास संतोष एक गुण भी होना चाहिए। महाराज रखने के लिए कहा, हाँ बिल्कुल। संतोष यदि नहीं रखते हैं तो धैर्य की आपकी परीक्षा हो जाती है। छोटे बच्चे हैं क्या? नहीं ना, हाँ आप तो बड़े हैं, तो बड़ों की अनुरूप संतोष भी तो रखो। सात गुणों में एक संतोष गुण भी रखा है और विवेक भी रखा है। ये सारे सारे आपकी परीक्षा लेते रहते हैं, इसके माध्यम से हम समझ लेते हैं इनके को किसने आकुलता है। इसके माध्यम से आकुलता नजर आती है, फिर भी जो संतोष रखता है, साधना की महिमा समझता है, कर्म सिद्धांत का अतिशय समझता है, उसका ज्ञान रखता है, तलस्पर्श रखो तो उतना ही उसका विश्वास, सम्यक दर्शन प्रौढ़ होता जाता है। इसको आचार्यों ने ध्यान भी कहा। क्या कहा? ध्यान। और ये कौन सा ध्यान? आर्थ ध्यान नहीं, ये धर्म ध्यान है। ध्यान का अर्थ ये नहीं कि हाथ के ऊपर हाथ बैठ जाओ और बैठ जाओ, यही ध्यान नहीं है। ध्यान से आप सुनो, वह भी ध्यान है। और यदि मान लो दुकान में आ जाता ग्राहक और ऐसा पैसा लेकर के आया है अच्छे, उसमें लोभ जागृत न हो तो ये ध्यान रखा जाए, ये ध्यान रखा जाए, भाई इससे हम इतने ही प्रतिशत में ले सकते हैं और लेना वाजिब है, इसमें कोई वादा तो है नहीं, फिर खा हुआ है ये, किंतु उसमें संतोषी देवी अप्रसन्न हो जाती है आपकी। महाराज दोष तो लग गया, संतोष की आराधना हम नहीं कर पाए, ये गलत बात है मियाँ। ऐसा नहीं, इस प्रकार यदि मान लो 8 घंटे तक दुकान में बैठे और संतोष समाप्त हो जाएगा तो क्या, कब संतोष आएगा? भगवान की आराधना किस करते समय, ये गलत है। इसलिए जो व्यक्ति संतोष के साथ व्यापार नीति के साथ करता है, ऐसी स्थिति में उसको 8 घंटे तक
वह धर्म ध्यान हो रहा है। क्या समझते हो आप? हाँ, 8 घंटे का धर्म ध्यान और निरंतर चल रहा है। सिद्ध चक्र मंडल विधान से कम नहीं है ये। नहीं समझे? और मांग रहे थे महाराज चौक मंदिर में आ रहा है। नहीं समझे? और सिद्ध चक्र मंडल मारना है। हम ये सोच रहे हैं पहले 3 महीने तक तो सिद्ध चक्र मंडल मान दो यहाँ पर अच्छे ढंग से, और 8-8 घंटे तक इस प्रकार अपनी दुकान में भी हम धर्म ध्यान कैसे कर सकते हैं? तो ये कर्म सिद्धांत की महिमा जानने वाला संतोष रखता है तो वह भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा होता है। सच्चे देवगुरु शास्त्र के पालन से हम इस प्रकार धर्म ध्यान कर सकते हैं। उस समय जो कर्म बंद होता है चुन चुन करके आते हैं। ये समझे? आप अपने दुकान में कोई वस्तु रखते हैं, भाई हाथ मत लगाओ हम बता देंगे। नहीं समझे? ऐसा होता है ना। हाँ, इसी प्रकार आप चुन चुन करके ले सकते हो। घटिया नहीं, बढ़िया से बढ़िया माल और ठनकार के साथ ले लो। कोई किसी प्रकार की कमजोरी नहीं। ऐसे घंटों तक आपके दुकान में भी चल सकता। मैं ये कह रहा हूँ बहुत व्यस्त, बहुत व्यस्त कहते हैं, आपसे भी ज्यादा कई गुना व्यस्त मुझे रहना होता है। आज दुकानदारी तो संभालो है, ऐसे थोड़ी उठक बैठक कर लीजिए दुकानदारी हो जाए। जो जहां पर काम कर रहा है वहां पर यह धर्म ध्यान कर सकता और करना चाहिए। कब करोगे? संतोषी संतोषी कहने से नहीं होता। ऐसा वह हर क्षेत्र में किसी के साथ संबंध रखता, वहां पर भी वह संतोष के साथ उसके साथ व्यवहार अच्छा करता है तो वसुदेव कुटुंबम का दूर नहीं रहता। हर प्राणी के साथ हमारा ऐसा संबंध जुड़ सकता है किंतु जानकारी के बिना नहीं। तो यह जानकारी आपको देना था कि अंतर मुहूर्त में हमने जिन परिणामों के द्वारा साता इत्यादि प्रशस्त प्रकृतियों का बंद किया वह हमारे ट्रीटमेंट चिकित्सा उस अंतर्मुहूर्त से प्रारंभ हो जाती है। इसलिए मुनि महाराज की 24 घंटा जो कोई परिचय हैं उनको भी सहन करते रहते हैं और प्रति समय जो बंद हो रहा है वो भी काम में आते होंगे। बुलाते नहीं लेकिन तो उनको आना ही है क्योंकि अंतर्मुहूर्त ही उसका काल है। वह भीतर से बाहर आकर के फल देगा। इसलिए मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। फीसी और कमंडलू ले लिया, पता नहीं महाराज अब किस ओर मुड़ेंगे। भगवान जानते हैं या तो उनकी आत्मा जानती है, हैं? ये दो ही है लेकिन भगवान ही जानते हैं। हम तो कहते हैं भगवान का काम है, हमारे तो कर्तव्य का पालन करना होता है। जिधर जिसका पुण्य होगा मुड़ जाएगा। अपने लिए स्टीयरिंग हाथ में रखना, वो अपने आप ही काम होता रहता है। बाहर अभी सुनते हैं आप लोगों गाड़ी में इस प्रकार की भी जानकारी होने लगी है कि रास्ता यूं चल रहे हैं, कब मुड़ने वाला है, पहले से ही सेल्फी वो फोटो दिखता बताते हैं। हाँ, और वो पहले से हो जाता संकेत, इधर कॉर्नर आ रहा है, इधर जो गाड़ी आ रही है, इधर वो आ रहा है, इधर मेले स्टोन लगा हुआ है, ये सारे से पहले से आ जाता। उसी प्रकार अपने को करना क्या, कुछ नहीं करना, अपने को बैठना है। सावधानी से आप बैठिए और अपना चलाइए, दुकान चलाइए और मकान चलाइए, जीवन चलाइए। आरंभ के साथ भगवान सर्वत्र है ये सब ज्ञात हो जाता है। संकेत जी मान लो पहले से मिल जाता,
सावधान। देखो वहां पर मोड़ है, नहीं समझे, नहीं जाने की अपेक्षा देर भला, क्या कहते हो नहीं पर... और वो तो बात एक ही है कि वहां जाने नहीं जाने की अपेक्षा से देर से जाओ कोई बाधा नहीं। हाँ दुर्घटना, दुर्घटना भी तो जा भी सकते नहीं भी जा सकते, पहुंच जाए। इसलिए आप संतोष रखिए। देखो सरकार ने भी आप लोगों के लिए संतोष की आराधना के लिए आग्रह की और हम भी करते हैं। आप ऐसे पूजन कर रहे थे कैसे, आप अपने आप को तो भूल ही गए लेकिन पीछे वालों को तो नहीं भूलना चाहिए था, अब याद रखें। वो भी लोग पूजन कर रहे हैं, आप विशेष रूप से अर्घ चढ़ा रहे हैं तो उनका भी अनर्घ ही मिलेगा, आपको भी अनर्घ ही मिलेगा, भावों के अनुसार काम होता। अब देखो कैसा योग होता है, तो जैसा हम प्रयोग करते हैं वैसा योग होता जाता है। जिस भावों के साथ हम प्रयोग करते रहेंगे अवश्य वह क्षण आता है। एक उदाहरण के माध्यम से हम आत्मोन्मुखी कब होते हैं, किस ढंग से उसका स्पर्श होता है, क्या उद्देश्य होता है उस क्रिया का, प्रयोग का आप लोगों को ज्ञात होगा। कोई शान पर अपने औजार में धार लाने के लिए प्रयोग करता है, वह धार लाने वाला व्यक्ति आप नहीं हो सकते, वही ला सकता है, औजार आपका है, वो धार लाएगा वो, और शान को लेकर के आया है और आपको बिठाया है। शान चलाओ आप, कभी देखा आप लोगों ने? हाँ, तो एक सामने वाला व्यक्ति शान चला रहा है, आप चलाते रहिए, रुकना नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल सतत क्रिया चालू रहे, वो चला रहा। अब वह ओझा निकालता है और शान पर लगाता है, जो ही शान पर वो ओझा लगाता है त्यों ही शान चलाने वाला होता है, कहता है अब बहुत जोर लगाना पड़ रहा है हमें, उसके बिना धार आएगी नहीं, आप अपने शक्ति और प्रयोग करो और तीव्र गति से, जितने आप तीव्र गति से इसको चलाओगे उतनी ही उसमें धार आने वाली है, यदि आप नहीं चलाएंगे तो हम कुछ भी धार ला नहीं सकेंगे। हाँ चालू करो, वह प्रयोग चालू हो गया, शान सतत चालू होता 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 बीच में चला रहा था, वो देखता है जिस समय आप ज़्यादा दबा देते हैं उस समय बहुत हमें जोर लगाना पड़ता, उसी जोर में और उसी प्रयोग में उस औजार में कुछ चमक आएगी। सुन रहे हो और समझ रहे हो? हाँ, जिस समय हम दबाएंगे उस समय चमक तभी आएगा जब आप सतत ध्यान चालू रखोगे, आनंद की अनुभूति प्रयोग के बिना नहीं, लेकिन जितने हम प्रयोग करेंगे उतने सारे सारे क्षण अनुभव नहीं होते हैं, कुछ ही समय के लिए क्षण के लिए वह अनुभूति हुआ करती है। यह प्रयोग आपका भक्ति का चलता रहे। कैसा चल रहा है? आप अपने आप को भूल रहे हो, इन अड़ोस पड़ोस को भी याद रखो,
वो भी आप जैसे ही बहुत दूर से आए। सब लोग अपने अपने प्रयोग करने के लिए आए हैं, भावांजलि लेकर के आए हैं। किसी की अंजलि छोटी हो सकती है, किसी की बड़ी हो सकती है, किसी की और ज़्यादा बड़ी हो सकती है। किसी की अंजलि ऊपर से छोटी है और भावांजलि बहुत बड़ी है, किसी किसी की भावांजलि छोटी है और बाहर की अंजलि बहुत बड़ी है। इन सब को आप अपने समीकरण पद्धति से जानते हुए अर्घ चढ़ाना है। नहीं समझे मैं क्या चढ़ा रहा हूँ, इससे कोई मतलब नहीं, वह अर्घ है। और मिलना क्या है? अनर्घ पद आपका। बड़ा अद्भुत हिसाब है। आप व्यापार करते हो प्रतिशत में, दिखाते हो भैया इतने प्रतिशत आज हमें मिला, हमने तो सोचा था कम से कम 10% से आगे बढ़ जाऊंगा, आज वह घटता हुआ नज़र आ रहा है। सब कुछ श्रम भी चला गया और समय भी चला गया और पूंजी तो लगा दी गई, कोई व्यक्ति प्रयोग नहीं करते हुए भी ब्याज के दर से आगे बढ़ गया, उसको 10% ब्याज मिल गया, प्रयोग के बाद हमारे पास घाटा मिल गया और कोई व्यक्ति गुणित क्रम से आ गया। या आप गुणित क्रम से कैसे? हमारी दुकान इसी प्रकार की है। हाँ, तो यहाँ पर जो दुकान आपकी लगी है ये गुणित क्रम से है। प्रतिशत की बात छोड़ दो, नहीं समझे, वो तो अन्य काम करते समय, इस काम में तो गुणित क्रम, और कितने ये कितने गुना है ये हम नहीं कह सकते। ऐसी ये दुकान है, सरसों के दाना खसखस के दाने से भी छोटा, वह बड़ का पेड़ है, उसका बीज होता है, लेकिन फल देखो तो कितना बड़ा विराट मिलता है। चाहे वह जैन दर्शन में अविरति सम्यक दृष्टि हो और आगे बढ़त बढ़त क्रम से आगे बढ़ता हो, इन सब में गुणित क्रम लगाया है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं महावीरा ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, फ्लीट ओनर एंड ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर। सिंस 1985 वी इन्वेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हील ऑन व्हील्स एंड इंट्रोड्यूस्ड डबल डेकर व्हीकल्स। वी आर द फर्स्ट ट्रांसपोर्टर फॉर द कैरिएज ऑफ मारुति सुजुकी, होंडा, टीवीएस, टेफे, BHEL, Alstom, etc. Services we render: car transportation, container services, clearing and forwarding, warehousing, transportation of bulky goods. Achievement. Awards.